आराम से आराम से। आराम से आराम से, मारना देना मुझे। गाड़ी रोको। गुड मॉर्निंग अरास। गुड मॉर्निंग बरूची। क्या ये कार कहते हैं इसे? हाँ, क्या वाकई? सच कहूं तो तुम्हारी नहीं लग रही। मेरी नहीं है यार, यशम के लिए लाया हूं, और वैसे भी मैं इतनी छोटी गाड़ियां नहीं चलाता हूं। क्या मतलब तुम्हारा? किस हैसियत से तुम मेरी बहन के लिए कार खरीद कर लाए हो? बात सुनो, मैं मंगेतर हूँ यशम का, ठीक है? तुम्हें क्या मसला है? मगर अभी शादी नहीं हुई, ये सब नहीं चलेगा। चलो चलो, निकालो उसे मेरे घर से बाहर। अगर मेरी बहन को गाड़ी चाहिए होगी तो मैं दिलवा सकता हूँ उसे। अरास, हबीबे ने वैसे यशम की गाड़ी का हशर बिगाड़ दिया है, और वो गलती भी मेरी थी। वो लड़की है ही पागल, तुम्हारी क्या गलती थी? अच्छा यार, ठीक है ना, इसको शादी का एडवांस तोहफा समझ के रखने दो उसे, और वैसे भी होने वाली है शादी। कब होने वाली है? हाँ, वही सोच रहा था मैं, क्या तारीख तय करने से पहले उससे पूछ लूँ। यशम से पूछना भी तो बनता है ना, कि क्या क्या चीज़ें उसको पसंद हैं शादी के हवाले से। हाँ ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, करो शादी और जाओ खड्डे में। हाँ, क्यों फजूल बातें कर रहे हो यार, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, तुम देखना सब खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगा था, मगर अब नहीं। खैर तुम अपना बताओ मुझे, तुम्हारा मसला हल हुआ या नहीं? मुझे नहीं पता यार, उसने इस्तीफा दिया और थोड़ी देर बाद इस्तीफा फाड़ दिया और फिर भाग गई। तो अब मुझे बताओ कि तुम उस अरास के अल्फाजों पर उसको शर्मिंदा करोगी या नहीं? हाँ करूंगी। अब ये बताओ कि उसका साथ दोगी या नहीं? डेफिनेट तुम्हारा जवाब हाँ है या फिर ना? हाँ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी अब मैं। शाबाश। चलो बहुत अच्छे, शाबाश, यही जज्बा चाहिए। अच्छा, तो इस्तीफा फाड़ दिया उसने अपना, जबरदस्त। हाँ मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन क्या चल रहा है ये नहीं समझ आ रहा। अव्वल तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर है भी तो दोनों साथ में बैठकर मामला हल कर लो ना, जिद किस बात की आखिर? ये बात उस बेवकूफ को बोलो। खबरदार, तो मेरी बहन को बेवकूफ कहा। मैंने गलत कहा? हाँ ठीक कहा, मगर तुम ये बताओ कि तुम कौन सा अकलमंदी वाला काम कर रहे हो। खैर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम काफी अच्छे आदमी हो और ईमानदार भी, तुम हल कर सकते हो मसला। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों भाइयों का सामना किया उसने। ये तो है वही ना, तो फैल भाई से उसने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ सिर्फ और सिर्फ यालिन का ही नाम लेती रहूंगी। बरूची खानदान में इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं थी। सच में? हाँ, तुम जानते नहीं उसे, ऐसा तो है नहीं कि इस्तीफा बगैर वजह के फाड़ दे वो। हाँ सही कह रहे हो, कोई तो वजह जरूर होगी उसके पीछे। मैं जानता हूँ उसकी जिद तुम्हारे अलावा कोई भी खत्म नहीं करेगा। सही कहा, अगर वो जिद्दी है तो मैं ज्यादा जिद्दी हूँ। यही तो मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ यार। शुक्रिया मेरे साले, मुझे काम पर जाना, देर हो रही है। साले साहब देर तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जल्दी दफा हो जाओ यालिन अरास। क्या? हाँ यशम घर पर ही है ना? नहीं, वो मैं बताना भूल गया तुम्हें, वो सुबह दानिश के साथ चली गई थी। चलो मैं चलता हूँ। मुझे कॉल करके बता तो सकती थी ना यार।